हाय दोस्तों, आज की कहानी जिस पे आधारित है वो IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 27 दिसंबर 1945 को ये बनता है, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद। पूरी दुनिया ने ये समझ लिया था अब अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसे कोई चीज हुई तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। एक और चीज पैरेलल में हो रही है और वो ये ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ पावर हो रहा है फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन टू यूनाइटेड स्टेट्स। द ग्रेट ब्रिटेन ग्रेजुअली वीक होता जा रहा है। वीक मेन कारण जो है वो ये, उसने ऑलरेडी इतने पैसे फूंक रखे थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, एंड सेकंड चीज है उसके जितने भी उपनिवेश थे वहां पे आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। दो रीजन जो यूनाइटेड स्टेट्स ताकतवर होता चला जा रहा है, पूरी दुनिया के गोल्ड रिजर्व का 2/3 उसने रखा हुआ है और पूरी दुनिया के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 1/2 यूनाइटेड स्टेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो अंततः पूरी दुनिया ने सोचा चलो मिलके पूरी दुनिया का फाइनेंशियल मैटर सॉल्व करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करते हैं, एंड जिस भी देश के BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट करते हैं। और इस विचारधारा से 27 दिसंबर 1945 को बनता है IMF। 1 मई 1947 को अपना ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। एक इसमें SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट ये लोग लेके आते हैं। इसके अलावा द बेसिक डिफरेंस बिटवीन IMF एंड WBG, IMF एक डेस्परेट मेजर का लोन है, WBG एक डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए एक लोन दिया जाता है। मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।